इंटरनेट पे हमें कई हॉरर और क्रीपी वीडियोस देखने को मिलती है जिनके बारे में ये दावा किया जाता है कि ये वीडियो एकदम रियल है। और हाँ, ये वीडियो काफी डरावनी और डिस्टर्बिंग होती हैं। जो लोग हॉरर एक्टिविटी में बिलीव करते हैं उन लोगों को ये वीडियो रियल लगती है और जो लोग नहीं करते उन्हें फेक। पर विदाउट एनी एविडेंस ये नहीं कहा जा सकता कि ये वीडियो रियल है कि फेक। पर हाँ, ये वीडियो दिखने में काफी ज्यादा स्कैरी होती है। ये जो पहली वीडियो है इसे स्टीव कॉनर नाम के एक व्यक्ति ने अपलोड किया था इंटरनेट पे। ये वीडियो उसने तब शूट की थी जब वो कार से ऐसे ही घूम रहा था और उस मोमेंट को कैमरे में रिकॉर्ड कर रहा था। ओह बॉय, व्हाट दैट एंड गुड, डोंट नो हूज रनिंग दैट बट ओवरऑल ये वीडियो नॉर्मल लगता है। पर जब इस वीडियो को टिकटॉक पे अपलोड किया गया था तब ईथन न्यूसन नाम के एक व्यक्ति ने इस वीडियो में कुछ अजीब सा नोटिस किया। इस ट्रेन के पीछे एक अजीब सा फिगर दिखाई दे रहा है जिसको लेके लोगों का अलग अलग कहना है। कुछ लोगों का ये मानना है कि उस ट्रेन के पीछे एक स्प्रिट है और वहीं कुछ लोग ये कहते हैं कि ये ट्रेन एक भूतिया ट्रेन थी। पर वहीं कुछ लोग ऐसे भी हैं जो लोग ये कहते हैं कि केवल एक इल्यूजन था जो कि कैमरे में रिकॉर्ड हो गया। ये जो अगली फुटेज हमारे पास है ये है ऑस्ट्रेलिया से, जहाँ कुछ दोस्तों ने अपने पार्किंग एरिया में एक कैमरा लगाया था और वो कैमरा एक नाइट विजन कैमरा था जो कि बेसिकली एक सेफ्टी के लिए लगाया गया था। पर उस कैमरे में कुछ ऐसा रिकॉर्ड हो जाता है जो कि बिल्कुल भी नॉर्मल नहीं था। इस फुटेज में आप लोग ये देख सकते हो कि इसमें एक अननोन पर्सन या फिर एक स्प्रिट दिखाई दे रही है और वो एक बेहद ही अजीब तरीके से मूव कर रही है, जैसे कि मानो वो टेलीपोर्ट हो रही हो। जिस तरीके से वो इस फ्रेम में एंटर करती है वो कहां से आई कुछ पता नहीं चला और दो तीन बार वो इस वीडियो में टेलीपोर्ट होती दिखाई दी। आई नो इस वीडियो की क्वालिटी बहुत लो है क्योंकि एक बहुत पुरानी वीडियो है और सीसीटीवी कैमरे से रिकॉर्ड की गई है, पर जितना भी इस वीडियो में दिखाई दे रहा है वो बिल्कुल भी नॉर्मल नहीं है। कुछ लोग ये अनुमान लगाते हैं कि ये वीडियो एडिटेड हो सकती है, पर ये वीडियो काफी ज्यादा पुरानी है और उस टाइम पे एडिटिंग और VFX जैसी ज्यादा चीजें नहीं थी, इसलिए इस चीज की बहुत ज्यादा पॉसिबिलिटी है कि ये वीडियो रियल हो सकती है। ये जो वीडियो ये 20 जनवरी को अपलोड की जाती है YouTube में क्रिस नाम के एक व्यक्ति द्वारा। ये वीडियो एक बंद पड़े स्कूल का है जहाँ लोगों का आना जाना बंद करवा दिया गया था क्योंकि इस स्कूल में कई हॉरर एक्टिविटीज देखी गई थी एंड कई ऐसे साउंड उस स्कूल से सुनने को मिलते थे जो कि काफी ज्यादा अजीब थे। Hello. ये वीडियो अप्रोक्स 40 मिनट की है और ये वीडियो तब की है जब क्रिस एक स्कूल को एक्सप्लोर कर रहा था और उसके सामने सडनली एक पर्सन आ जाता है जो कि शायद एक स्प्रिट थी और वो एकदम से काफी वेट तरीके से उसके सामने गिर जाती है और उसको देख के क्रिस काफी ज्यादा डर जाता है और वहां से निकलने लगता है। पर तभी उसे कुछ ऐसा दिखाई देता है जैसे कि मानो कोई उसे फॉलो कर रहा है। उस एरिया में किसी भी इंसान या पर्सन का जाना मना था, पर जैसे क्रिस वहाँ पे चला गया शायद कोई और भी आ गया हो। पर उस इंसान का एक वेट तरीके से गिरना और वहाँ की अजीब और गरीब साउंड उस जगह को और भी स्कैरी बनाती है। कुछ समय पहले इंटरनेट पे एक बच्ची का वीडियो वायरल हो रहा था जैसे कि आप एक घर में घूमते हुए देख सकते हैं। शुरू में ये वीडियो नॉर्मल था पर एकदम से उस वीडियो में कुछ अजीब सा होता है।
उस रूम में अचानक से लाइट बंद चालू होने लगती है और एक अजीब सा साया उस लड़की के पीछे दिखाई देने लगता है। हालांकि ये वीडियो इरिटेट लगती है, पर उस बच्ची का डर शायद वो असली था। शायद ऐसा हो सकता है कि कोई उस बच्ची के साथ प्रैंक कर रहा हो, पर इस वीडियो में वो लड़की काफी ज्यादा डर जाती है। हमारा चैनल नॉन वायलेंट चीज को अप्रूव नहीं करता है, पर ये वीडियो काफी ज्यादा स्कैरी और क्रीपी थी, दैट इज वाई हमने आपको ये वीडियो दिखाई। बाकी आपका इन वीडियोस के बारे में क्या कहना है, कि ये वीडियो रियल है कि फेक, हमें कमेंट में जरूर बताएं। एंड वीडियो अच्छी लगी तो चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं एक ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ।